पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी गुट जैश मोहम्मद के कैंप पर भारतीय वायु सेना द्वारा किए गए हमले के अगले दिन यानी 27 फरवरी से पाकिस्तानी वायु क्षेत्र का इस्तेमाल प्रतिबंधित हो जाना राष्ट्रीय हवाई कंपनी एयर इंडिया को बहुत महंगा पड़ रहा है। अब उड़ानें लंबी हो गई हैं क्योंकि उन्हें किसी न किसी जगह रुककर जाना पड़ता है, इसीलिए एयरलाइंस अब तक 60 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च कर चुकी है। ये रकम दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पश्चिम की ओर जाने वाली एयर इंडिया की उड़ानें अब पाकिस्तान के वायु क्षेत्र से होकर नहीं जा सकती और उन्हें यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका जाने के लिए दक्षिण की ओर होकर यानी गुजरात के ऊपर से होते हुए अरब सागर पार कर जाना पड़ता है। एयर इंडिया के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत पैदा करने वाली उड़ानें अमेरिका के पूर्वी तट, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, न्यूवॉर्क तथा शिकागो जाने वाली उड़ानें हैं। ये उड़ानें अब नॉन स्टॉप नहीं जा सकती और इन्हें शारजहां या वियना में ईंधन भरवाने के लिए रुकना पड़ता है। ईंधन के लिए हर बार रुकने पर जो आते और जाते दोनों वक्त अनिवार्य हो जाता है, एयरलाइन को औसतन लगभग 50 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ते हैं। इसके अलावा एयरलाइन को क्रू तथा इंजीनियरों को वियना में भी तैनात रखना पड़ता है, इसलिए 16 मार्च तक एयर इंडिया लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। हालांकि प्रशांत महासागर के ऊपर से होकर दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जाने वाली उड़ानें इससे प्रभावित नहीं हुई हैं। हर उड़ान के साथ बढ़ते जा रहे घाटे की वजह से एयर इंडिया ने वियना में रुकना सिर्फ 2 उड़ानों के लिए तय किया है, जबकि बाकी सभी उड़ानों में मुंबई में ही दोबारा ईंधन भरा जा रहा है। लेकिन ये भी दिक्कत वाला काम है क्योंकि उत्तरी अमेरिका की ओर जाने वाली उड़ानों में मुंबई में ईंधन भरा जाना भी काफी महंगा पड़ता है। दरअसल हर विमान में यात्रियों की संख्या पर पाबंदियां लगाई गई हैं। यदि कोई विमान कम यात्री लेकर आता है तो उसकी कमाई भी कम होती है और ऐसा हर सेक्टर में होता है। उधर यात्रियों के लिए सबसे बड़ी चिंता उड़ान में लगने वाला वक्त है। बहुत ज्यादा लंबी उड़ाने जब से एयर इंडिया ने बोइंग 777-300ER और बोइंग 777-200LR विमानों को फ्लीट में शामिल किया है, अब पहले के मुकाबले लगभग 4 घंटे ज्यादा वक्त लेने लगी है। इसका अर्थ ये हुआ कि अमेरिका जाने वाली उड़ाने अब दोबारा ईंधन भरे जाने के वक्त मिलाकर 18 घंटे से भी ज्यादा का समय लेंगी। एयर इंडिया की यूरोप जाने वाली बोइंग 787-800 ड्रीम लाइनर सेवा पर भी पाकिस्तानी वायु क्षेत्र बंद हो जाने से खासा असर पड़ा है। एयरलाइन ने बर्मिंगम तथा मैड्रिड जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया है क्योंकि इसके लिए उन्हें एक अतिरिक्त पायलट तैनात करना पड़ता है। यूरोप में किसी भी जगह पर जाने वाली हर उड़ान को इस वक्त लगभग 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं।